सर आपका नाम बताइए और आज के फिल्म का मुहूर्त है क्या कहना चाहिए? मायसेल्फ वीरेंद्र पासवान। बेसिकली ये फिल्म जो है जिसका टाइटल है रजू, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर ये फिल्म पूरी तरह से केंद्रित है। इसमें जो सबसे ख़ास बात है कि हम बाल मजदूरी की बात करते हैं या बच्चों को बचाने की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बच्चे बच पाते हैं नहीं बच पाते हैं, तो ये चीज़ें इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें हो रही हैं, तो हम लोग फिल्म को उसी पे केंद्रित कर रहे हैं। इसमें आप लोग शायद पता भी हैं प्रीति जी यानी मेन गेट रोल में है, जो बच्चा है लंदन से है, मोस्टली यही फिल्म का रूपरेखा यही है। इसकी शूटिंग हम बॉम्बे में कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं, मे बी बैंकॉक में हम लोग करेंगे। इसमें कितने गाने हैं? बेसिकली ये पैरेलल सिनेमा है, रेगुलर सिनेमा इसको नहीं कह सकते, तो इसमें मोस्टली दो से तीन गाने होंगे, लाइक टाइटल सॉन्ग बच्चों के ऊपर एक गाना है और एक रोमांटिक है, लेकिन वो जैसे श्याम बाबू वगैरह फिल्म बनाते हैं उस लेवल के गाने। ये किसी फिल्म की मतलब ओरिजिनल स्टोरी है क्या है, मतलब नहीं ये वर्जिन स्टोरी है, ये कहीं की कॉपी नहीं है, बच्चों के ऊपर है फिल्म, बच्चों के ऊपर है। इसमें है कि आज मेट्रो सिटीज़ में, चाहे इंडिया का मेट्रो सिटी हो चाहे लंदन का हो कहीं का भी, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बेसिकली जॉब हो या बिजनेस हो तो बच्चों को केयर नहीं कर पाते हैं, उसमें क्या होता है कि इनकी लाइफ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, बच्चों की भी हो जाती है, फिर हमें क्या होता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने मोटो रखा है कि हर फैमिली में ये काउंसलिंग की ज़रूरत ना पड़े, बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग के चक्कर में ना पड़े। थैंक यू। क्या दिन है, हीरोइन को भेज दिया। चलिए केके जी, फिल्म की मुहूर्त है क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं वजूद के डायरेक्टर वीरेंद्र पासवान जी को। थैंक यू, थैंक यू सर, आई लव यू टू। मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों ही कर लेते हैं। और वीरेंद्र जी मेरे बहुत बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं, हमेशा से काम करने की बड़ी इच्छा थी, कई बार हमने भोजपुरी फिल्म में काम करने की कोशिश की थी लेकिन हम काम नहीं कर पाए थे। इस बार हम अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे इनके वजूद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। किस टाइप का कैरेक्टर है केके जी आपका? सर ने कहा है कि स्टोरी और कैरेक्टर डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन जो आप लोग हमेशा देखते आए हैं उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल है, एकदम उल्टा कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं। अभी तक जो मैंने कॉमेडी किया है या जो आपने देखा है उससे अपोजिट कैरेक्टर। ठीक है जी, विलन का रोल तो नहीं करने वाले? हो भी सकता है। बच्चों को डराते हुए तो नजर नहीं आएंगे इस फिल्म में? हमेशा से नहीं, कई बार मैंने बच्चों को डराया भी है, फिर कोई है नहीं, बहुत भयानक विलन बना था मैं और बच्चों को डराया भी था, पर इस बार कुछ अलग ही है। आप लोगों को फिल्म देखना पड़ेगा अगर जानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस फिल्म के अंदर, उसके लिए आप सभी को फिल्म देखने के लिए आना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू।